हेलो फ्रेंड, वेलकम माई यूट्यूब चैनल जेट एंड पावर टू। ये सेवन ड्रिल मशीन है और ये चिंगा भी दे रही है। तार लगा के देखते हैं इसमें क्या कमी है। और बदली भी आ रही है। इसे सबसे पहले खोल के देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोनों टेस्ट करेंगे, साइड कर लेंगे, ये दोनों पार भी निकाल लेंगे। पार निकालने के बाद एक ये हमारी कॉइल है जो खाली पड़ी हुई है, कॉइल चेंज करेंगे। कॉइल चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले बॉडी के ऊपर से तीन पेज करने हैं। तीनों पेज हम खोल लेंगे, पेज कट की मदद से तीनों पेजों को खोल लेंगे हम। ढक्कन को हटाएंगे और आर्मेचर को निकालेंगे। आर्मेचर हमारा देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है और ये हमारी कॉइल भी जल हुई है, देखिए पूरी तरीके से काली पड़ हुई है। ये ज़्यादा प्रेशर लगाने पे ओवरलोड पर भी जल जाती है। फील्ड को निकाल लेंगे, फील्ड को निकालने के लिए दोनों पेजों को खोल लेंगे। बॉडी से फील्ड को अलग करेंगे और नई फील्ड लगाएंगे। पेज हमारे खोल गए हैं, उससे मेन कनेक्शन को हटाएंगे हम। स्विच से जो मेन कनेक्शन होते हैं इन कनेक्शनों को हम हटा देंगे। पतले छोटे पेजेस की मदद से इन कनेक्शन को हटाएंगे। ये हमारे स्विच के मेन कनेक्शन है फील्ड के, हम फील्ड को आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे। जो हमारी फील्ड है बिल्कुल जल हुई है, अब इसे हम चेंज करेंगे। ये हमारी नई फील्ड है, तेज दस की कॉइल है, फील्ड कॉइल तेज दस की कॉइल हम खोलेंगे और उसमें डालेंगे। बढ़िया तरीके से पैक हुई होती है थैली में, कुछ कॉइलें फॉर्म में भी पैक होकर आती हैं। ये फील्ड है और हम इसे डालेंगे। ये दो साइड में ऐसे करके हम कनेक्शन कर लेंगे, दो साइड में कनेक्शन करेंगे और दो साइड में कर लेंगे और इन कनेक्शन को आसानी से इसमें डाल देंगे। फील्ड हम लगा देंगे और हाथ से ऐसे ही साइड करके बैठा देंगे। फिर हम कनेक्शन निकाल लेंगे। ये हमारा मेन कनेक्शन है, ये भी हमारा मेन कनेक्शन है और ये कार्बन पर जाएगा। ये कनेक्शन कार्बन पर लगेगा, ये भी कनेक्शन कार्बन पर लगेगा। तो हम पहले फील्ड को दोनों पेचों को ठीक से लगा लेते हैं। तैयार हो चुके हैं, मतलब टाइट हो चुके हैं और हम मेन कनेक्शन को स्विच में लगा देंगे। पिन चेंज करना बहुत ही आसान है। हमारे मेन कनेक्शन सक्सेस हो चुके हैं, हम स्विच को सेट कर देंगे। ये हमारे एक ये और एक ये हमारे कार्बन के कनेक्शन हैं। ये तार हमारे कार्बन के होल्डर में लगेंगे और हम आर्मेचर को पैक कर देंगे। पैन कवर लगाएंगे और आर्मेचर लगाकर हेड को लगाकर पेंच कर देंगे। तीनों पेज लगाकर हम बॉडी को फुल टाइट कर देंगे।
12-3 लीकेज कर चुके हैं, अब हम इसके कार्बन के कनेक्शन करेंगे। तो कार्बन के कनेक्शन करने की आसान है, बहुत ही आसान है। ये कार्बन का तार है, इसे कार्बन के होल्डर में लगा कर और होल्डर को कार्बन पर लगा कर आर्मेचर पर लगा दीजिए। ये याद रहे कि हमारा होल्डर से तार निकलना नहीं चाहिए, वरना हमारी मशीन करंट नहीं देगी। दोनों तारों को हम बारी बारी से लगा देंगे। हमारे होल्डर लग चुके हैं, हम ढक्कन को लगाएंगे और पेंच को टाइट कर कर और मशीन चला कर देखेंगे। दोनों पेंच हमने टाइट कर दिए हैं बढ़िया तरीके से, ठीक तरीके से हमने पेंच को टाइट कर दिया और तार लगा कर मशीन को चला कर देखेंगे। देखिए गाइस, हमारी मशीन बिल्कुल धीरे किनारी से चल रही है। हमारा ये प्रॉब्लम थी सर्वेटरी है और इसमें बदबू भी नहीं आ रही है, तो बिल्कुल हमारी मशीन बड़ी तरीके से चल रही है। वीडियो अच्छी को लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट करके हम पूछ सकते हैं। धन्यवाद।